चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। यहाँ पर हमने किसानों को जमीनें बेच करके लग्जरीज लेते हुए देखा, लेकिन केरल के किसान ऐसे हैं, या हम साउथ इंडिया की तरफ चले जाएं, वहां पर काली मिर्च को बेच करके किसानों को लग्जरीज खरीदते हुए हमने देखा। तो ये एक बड़ा डिफरेंस हमने यहाँ पर देखा, और उससे ये साफ होता है कि मसालों का भविष्य तो बहुत सुनहरी है, लेकिन NCDX वहां पर किस तरीके से एक अच्छा तड़का और सुगंधित तड़का लगाने में योगदान दे सकता है, इस पर आपके विचार। देखिए, NCDX एक कहें कि जैसे आजकल भारत के बारे में गुट निरपेक्ष राष्ट्र, तो NCDX भी एक गुट निरपेक्ष प्लेटफॉर्म है, एक जो है ना, किसी भी तरफ की बाइंग सेलिंग, क्या कमाएगा कौन, क्या खोएगा कौन, उसके बारे में टिप्पणी जो है ना एज एन एक्सचेंज नहीं कर सकती। हाँ, जो इसका उद्देश्य है इस इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करने का, उसके नजरिए से अगर देखेंगे तो जरूर जो आपने कहा ना कि तड़का कैसे लगे। देखिए, तड़का जो है ना, आप कहें कि एक तरीके से कहिए कि लास्ट में लगता है, ठीक है, सब चीज अपनी तैयार हो जाती है उसके बाद लास्ट में तड़का लगता है, मतलब क्या हुआ, कल्मिनेशन पॉइंट आ गया है, ठीक है। तो अपने को यह पता होना चाहिए कल्मिनेशन पॉइंट कहां पे आएगा, कहां पे तड़का लगाना है। अब हर एक का तड़का अपना अपना है, किसी को प्याज का तड़का पसंद है, किसी को लहसुन का तड़का पसंद है, किसी को जीरे का पसंद है, और कोई खाली मिर्ची का भी खा लेता है। तो मतलब ये हुआ कि जिसकी जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से उसको तड़का चाहिए और स्वाद चाहिए। अब जैसे बात करें कि भी जिसको व्यापार ही तेजी मंदी का करना है, जीरा ले लिया, भर लिया, भूख चल जाएगा तभी बेचूंगा, मेरा ट्रेड का काम नहीं है, प्रोसेसिंग का काम है, मेरा तो तेजी मंदी का ही व्यापार है। अब उसको बोले तुम हेजिंग करो, तो वो हेजिंग उसका तड़का नहीं है, क्योंकि अगर उसने हेजिंग कर ली माल लेके, तो उसका तो व्यापार ही खत्म हो गया। तो मोस्टली मुद्दा जो है ना NCDX का, कहीं किसी भी एक्सचेंज का, ये रहता है कि कैसे आप अपने व्यापार को सुरक्षित करें, यानी हेजिंग करें, रिस्क मैनेजमेंट करें। तो हेजिंग आप किस तरीके से करें वो लगाएगा आपको तड़का। आपने तेजी मंदी कर ली, एक ध्यान तो लेके चले होंगे ना कि 10 रुपए से शुरू हुआ है, 15 पे अटकूंगा, 16 पे अटकूंगा, फंडामेंटल्स क्या बोल रहे हैं, वहां पे जाके आप अपना तड़का लगाइए। आप हेजिंग नहीं करेंगे, आप आउट हो जाएंगे। फिर बात रही बाकी पार्टिसिपेंट्स की, इस तेजी मंदी वाले को मैं कहूंगा कि आप LIC हैं इस प्लेटफॉर्म की, क्योंकि हेजिंग एक इंश्योरेंस टाइप इंस्ट्रूमेंट है जो आपको प्रॉफिट एक्स्ट्रा नहीं देता, आपका प्रॉफिट बचा के रखता है, कुछ ना कुछ कॉस्ट जरूर लगती है हेजिंग की। अक्सर एक मिसकंसेप्शन है कि आपने हेजिंग किया है तो प्लेटफॉर्म से कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, नहीं। हेजिंग जो है ना वो एक आपका प्रोटेक्शन टूल है, एक इंश्योरेंस है। जैसे अपन इंश्योरेंस खरीदते हैं तो हर साल से प्रीमियम देते हैं, कभी कभार ही यूज पड़ती है। अब गाड़ी की इंश्योरेंस मैंडेटरी है, सब लेते हैं, कभी कभार यूज पड़ती है। लाइफ इंश्योरेंस भी मेजोरिटी आज भी लोग काफी है इंडिया में नहीं लेते, बट जो भी समझदार हो पक्का लेता है, बट वो ये सोच के कभी नहीं लेता कभी जरूरत पड़े, बट फिर भी लेते हैं। तो हेजिंग भी जो है ना एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत ना पड़े तो अच्छा है, बस करेंगे तो वो जो जरूरत जिस दिन पड़ेगी उस दिन काम आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी कल की या परसों की बात ले तो जिन्होंने तेलों में अगर हेजिंग कर रखी थी तो वो तो आराम से बैठे थे उस दिन, बट अगर उस दिन हेजिंग नहीं कर रखी थी और आपकी वो रिक्वायरमेंट उसी दौरान की थी, तो मतलब वो किस्मत के कुत्ते जैसी हालत हो गई कि कितना ही आगे पीछे ना चलो टायर के नीचे आ ही गया एक दिन। तो हेजिंग आपको वो टायर के नीचे आने से बचा सकती है। और हेजिंग करनी कब चाहिए, मैं बहुत संक्षेप में समझाऊंगा, क्योंकि यहां पे आज मंच पे जो है ना काफी दिग्गज वक्ता है, उनका टाइम ना लेके जो है ना संक्षेप में समझाऊंगा। मैं ज्यादा सुनना चाहूंगा अश्विन भाई को, बीरेन भाई को, अमित जी और अनुज जी, क्योंकि असल जो तड़के की वेट हो रही है वो उनकी हो रही है।
तो जबरदस्ती जो है ना दाल को कुकर में लगा के सीटी मार रहा हूं। नहीं, तो इन शॉर्ट हेजिंग आपको कब करनी चाहिए? दो ही लाइन में, अगर ये दो लाइन आप याद रख लेंगे उतना ही हो जाएगा कि भी एनसीडीएक्स के बिहाफ पे जो मैंने बोला, जो मैसेज देना था हेजिंग का, वो मैंने दे दिया। और वो दो लाइन क्या है, क्या अपना एक्सपेक्टेड लॉस कैलकुलेट कर लीजिए व्यापार का और आपकी वेरिएबल कैपेसिटी। अगर आपका एक्सपेक्टेड लॉस आपकी वेरिएबल कैपेसिटी से ज्यादा है तो आपको हेजिंग की जरूरत है। एक्सपेक्टेड लॉस आपकी वेरिंग कैपेसिटी से कम है आप खेलिए, पर अगर आपको लगता है कि नहीं, तेजी मंदी का वॉलिटिलिटी का माहौल है, मेरी क्षमता 50 पैसे की है और 1 रुपये का नुकसान हो सकता है, तो जनाब दूसरे को इंश्योरेंस मत बेचिए, अपनी इंश्योरेंस लीजिए और हेजिंग कीजिए। जिंदा रहेंगे तो व्यापार और मिलते रहेंगे, अगर वो 50 पैसे जो रुपया गया ना तो वापस व्यापार में खड़े रहने की जो है ना क्षमता नहीं रहेगी। और एक बार जब व्यापार फेल होता है, व्यापारी व्यापार फेल नहीं होता व्यापारी, तो वापस व्यापार में घुसना मुश्किल हो जाता है। और हम सब जानते हैं इतने एग्जाम्पल्स काफी। इसके साथ मैं सुरेश जी, ओवर टू यू, थैंक्स। ग्रेवाल साहब, मैं आपके पास ये सवाल थ्रो करना चाहूंगा, क्योंकि एनसीडीएक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूं कहें कि एक ट्रस्टेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, और बहुत सारे ट्रेडर्स और फार्मर्स आज की तारीख के अंदर में इस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े हुए हैं। मेरा सिंपल अग्रवाल साहब सवाल यह है कि क्या एनसीडीएक्स कोई एक ऐसा टूल अवेलेबल करवा सकती है, जैसा कि अभी र्यूमर्स की मैंने बात की, प्रोडक्शन को लेकर के र्यूमर्स आते हैं, क्रॉप के डैमेज होने को लेकर के एक र्यूमर्स आते हैं, एनसीडीएक्स का नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान के अंदर में है, क्या एनसीडीएक्स दूसरे रिसर्च हाउसेस की तरह अपनी विंग से क्या ये टाइम टू टाइम एक इंफॉर्मेशन क्या जारी नहीं कर सकता है, अपने खुद के एनालिसिस, अपने खुद के एक सर्वे के अनुसार कि इस समय पर ये क्रॉप का ये प्रोडक्शन देखा जा रहा है, जिससे एक ऑथेंटिसिटी बाजार के अंदर जाए और जो र्यूमर है उस र्यूमर्स का कटाक्ष जो है वो एनसीडीएक्स ट्रेडर्स को अवेलेबल करवा पाए, क्या ये पॉसिबल है? सुरेश जी, एक सवाल भी कह सकते हैं ना, बहुत अच्छा और उम्दा सजेशन है, पर एक ऐसा सवाल है जिसका कि एनसीडीएक्स, मतलब खाली एनसीडीएक्स नहीं, कोई भी एक्सचेंज चाहते हुए भी इस चीज को एड्रेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक्सचेंज जैसे मैंने शुरू में बात की कि गुट निरपेक्ष एक निर्दलीय पार्टी है, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्राइस पे इम्पेक्ट आता हो या प्राइस से किसी भी तरीके से रिलेटेड हो, उस इंफॉर्मेशन को ना तो एक्सचेंज डिसेमिनेट कर सकती, ना उसका जो है ना पैरवी किसी तरीके से कर सकती कि दूसरे ने बोला तो कि हाँ ये सही है इसका या इसका गलत है। ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये ट्रेड को अपने लेवल पे एड्रेस करनी रहेंगी। हाँ, एक्सचेंज ये जरूर कर रही है इनफैक्ट कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना ये टाइम टाइम पे प्रोत्साहित करती है, पहुंचती भी है उन तक और उनसे रिक्वेस्ट भी करती है, और कई बार कोलेबरेट होके उनको जो रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज हाँ। भी देती है कि भाई आप जो है इस पे रिसर्च कीजिए, और पारदर्शी जो है ना आंकड़ा या स्टैटिस्टिक्स कहिए वो मार्केट को पता चले। बट डायरेक्टली एक्सचेंज चाह के भी जो है ना इन चीजों पे नहीं कर सकती, एक रेगुलेशन से जो है ना बंधे हुए हैं सभी। हम ये मैं मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप प्राइस के ऊपर कोई कमेंट करें या डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, वहां आप न्यूट्रल रहे, आपका वहां पे बींग एक्सचेंज इंटरफेरेंस बनता भी नहीं है, लेकिन क्रॉप का साइज और क्रॉप प्रोडक्शन और सोइंग, ये एटलीस्ट जो डेटा है ये अगर ट्रेडर के पास ठीक ठाक पहुंचे तो भी हो सकता है कि एक बहुत हद तक जो र्यूमर का जो बाजार है और जो मिथ है बाजारों के, वो कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन मिल सकता है। इस पे एक विचार करने की जरूरत है, इसके वो एड्रेस किया जाना चाहिए। ग्रेवल साहब, आपके पास आऊंगा, चूंकि इस समय पर हम अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें मसालों के तड़के के अंदर में आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसे मसाले की जो फ्रेग्रेंस है वो इस डिस्कशन के बीच में छूट गई है, और आपकी एडवाइस जितने भी इस समय पर हमारे ट्रेडर्स हैं, जो दर्शक इस समय पर हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं,
उनके लिए आपकी क्या होगी, और बींग अ एक्सचेंज आप ट्रेडर्स से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बींग इन एक्सचेंज ट्रेडर्स को हम जो है ना ये एडवाइस दे सकते हैं कि भी सुरक्षित रहें, जब तक आप सुरक्षित रहेंगे तो व्यापार भी सुरक्षित रहेगा। बट इसमें जो एक चीज छूट गई जो तड़का आपने बताया ना, मैं वो यही ऐड करना चाहूंगा कि हेजिंग करना मतलब एंटर करना जितना लोग आसान समझते हैं ना, एग्जिट करना जैसे आपने बोला ट्रेड का तड़का जब लगाना है एग्जिट होंगे, वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और इम्पोर्टेंट कैसे है कि आप अपनी हेजिंग की जो है ना पहले इंटेंशन आई वुड से कि आपकी मर्जी क्या है। अगर आप डिलीवरी लेने की इच्छा रखते हैं हेजिंग में कि भाई मैं डिलीवरी तक खड़ा रहूंगा, मैंने हेजिंग इसलिए की है कि शायद माल उधर से भी आ जाए, हाजिर से मेरे को दिक्कत नहीं, डिलीवरी आ जाएगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अपन हेजिंग करते हैं कि उसमें ना तो अपने को डिलीवरी देने की इच्छा होती ना लेने की जो है होती है। तो वो चीज का जो है ना आप तड़का कब लगाएंगे कि भाई जब जिस भी मंथ में आपने हेजिंग की है उसका डिलीवरी पीरियड शुरू हो उससे पहले आप एग्जिट हो जाए। क्योंकि जब डिलीवरी पीरियड शुरू हो जाता है तो आपको कोई सी भी चीज हाथ में आ सकती है, फिर वो फ्यूचर नहीं रहता, वो स्पॉट वायदा हो जाता है, स्पॉट मार्केट हो जाता है। अगर आपको डिलीवरी लेने की इंटेंशन है या देने की, जो भी आपकी पोजिशन के हिसाब से है, तो ही आप जो है ना अपनी पोजिशन हेज को जो है कैरी कीजिए। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि यार मैंने तो हेजिंग किया था लेकिन वायदा जो है ना वो मेरे हिसाब से नहीं चला, वो ऊपर नीचे हो गया। भाई जब वो स्पॉट में चला गया तो वायदा अपने आप में एक अलग मार्केट है, हाजिर बाजार अपने आप में अलग मार्केट है। वहां पे कितने गुड्स अंदर है डीमेट में डिलीवरीज के लिए और कितने बायर सेलर है, उनका समीकरण फिर अलग हो जाता है। वो कन्वर्ज जरूर होता है लेकिन वो कन्वर्ज किस दिन होता है, एक्सपायरी वाले दिन कन्वर्ज होता है, जो फिर वो चार दिन की आपकी अपड़ा तब है जिसके बीच में आप काटने जाते हो तो उसमें दिक्कत आती है। अगर आपको नहीं डिलीवरी लेने देनी तो आई सजेस्ट कि जब तक लिक्विडिटी नियर मंथ में है और वो पीरियड सजेस्टेड है कि आप 1-5 के बीच में जो है ना अपनी हेज पोजिशन को या तो रोल कीजिए या आपकी फुलफिलमेंट है तो उसको कलमिनेट करके अपना तड़का लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर के ऊपर ये काफी महत्वपूर्ण एक जानकारी है, क्योंकि यहीं पर ही आकर के ट्रेडर्स जो है वो फंसते हैं एंट्री और एग्जिट पॉइंट। देखिए आप अभिमन्यु और अर्जुन के जो बीच का जो फर्क है, एंट्री तो दोनों ने ली लेकिन एग्जिट उस चक्रव्यूह से कैसे करना है ये अर्जुन जानता है, तो आपको अर्जुन बनना है। यही एक यहाँ पर जो मूल मंत्र है इस पूरे डिस्कशन का, वो एक निकल करके आता है कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं, चाहे फिजिकल का ट्रेड कर रहे हैं या एक्सचेंज के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी आप सौदा ले रहे हैं, तो वहां पर आपका एंट्री और एग्जिट बड़ा स्ट्रीक होना चाहिए, जो आपको भले ही कम एक मुनाफा देगा लेकिन एक सिक्योर्ड मुनाफा देगा। वहां पे लॉसेस के जो चांसेस होंगे वो नाम मात्र के चांसेस होंगे।